हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HG स्टडी क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज अपन वैदिक गणित के अंदर व्यवकलन करना सीखेंगे, मतलब घटाव करना सीखेंगे। व्यवकलन करना मतलब घटाव करना। तो अपन को क्या करना है? घटाव करना है वैदिक गणित के अंदर। वैदिक गणित के अंदर घटाव कैसे करते हैं, उससे पहले अपन को परम मित्र अंक और एकाधिकेन को जानना बहुत जरूरी है। इसके अंदर अपन को ये चीजें काम की है, ये चीजें काम आएगी। इसी के माध्यम से अपन व्यवकलन घटाव कर सकेंगे। तो दोस्तों, अपन को व्यवकलन घटाव करना है तो ये यहाँ पर परम मित्र दे रखा है 10। सबका मतलब अधिक संख्या 10 होती है। यहाँ जो संख्या दे रखी है, जहाँ पर क्या है, ये संख्या दे रखी 9 1। इस क्या होगा, ऐसे थे नहीं, यहाँ पर 10 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। 9 1 सिंगल संख्या होगी, सिंगल संख्या 1 से 9 तक ही होती है। तो ये सिंगल संख्या यहाँ पर दे रखी है अपन को सारी, तो इनको जोड़ के क्या बनता है, सबको जोड़ेंगे 10 बनेगा। तो अपन को ये जानना जरूरी, ये चीज़ें अपन को जानना जरूरी, ये चीज़ें वहाँ पर अभी मैं बताऊँगा तो आपको समझ में आएगी। ये एक तरह से देख लीजिए, यहाँ एकाधिकेन, यहाँ पर मैंने एकाधिकेन लिख रखा है। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक, आगे वाली संख्या पर एक अधिक दे देते हैं। तो कैसे देते हैं एकाधिकेन, अपन करके देखते शुरू करके देखते। सवाल दे रखा है आपके सामने, 9 1 1 में से 7 8 3 को घटाना है। तो अपन साधारण गणित में अच्छे से घटा सकते हैं हासिल लेकर, और इस गणित में कैसे घटाते हैं तो अपन इस करके इसको करके देखते हैं। जैसे आपको दिख रहा है घटाव पीछे से ही करनी है, इसमें क्या करता है पीछे से करनी है। यहाँ पर 1 दे रखा है और यहाँ पर 3 दे रखा है, क्या करना है, यहाँ 3 दे रखा का तो घटेगा नहीं, एक के अंदर से 3 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर एक अधिक दे देना। यहाँ जो मैंने दे रखा पूछ रखा है दे रखा है, यहाँ पर एक अधिकेन मतलब वो एक अधिकेन ये है, यहाँ से मैंने एक अधिक इधर दे दिया, है ना। 8 के ऊपर एक अधिक लगा लिया, यहाँ पर मतलब 9 गिनेंगे। तो अपन को क्या करना है, जो ये दे रखा है परम मित्र, तो अब अपन को क्या करना है, 7 किसका परम मित्र है, 3 का परम मित्र 7 है। तो यहाँ पर 3 दे रखा है, तो अब यहाँ पर अपन को क्या है परम मित्र, 7 में 1 को ऐड करना है, इस जो ऊपर वाली संख्या दे रखी है उसको ऐड करना। 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ अपन को 8 लिख लेना है, 8 लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अपन को 9 मतलब ये 8 और एक पॉइंट लिख रखा है, आगे वाली संख्या को एक दे दिए, तो यहाँ पर कितना है 9। अब 1 के अंदर से ये करना है तो अपन घटेगा नहीं, तो यहाँ पर एक अधिक आगे वाली संख्या को दे देते, क्या एक अधिक आगे वाली संख्या को दे दिया अपन ने। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पर 9 है और 9 का कितना परम मित्र 1 है, 9 का परम मित्र 1 है, तो 1 बचा यहाँ पर, तो अपन को 1 में 1 को जोड़ना है। 1 में 1 को जोड़ा तो कितना बन गया, 2 बन गया। अब क्यों जोड़ा, तो यहाँ देखिए 9 है, यहाँ पर 8 + 1 9 बना, तो ये 9 का परम मित्र 1 है। तो यहाँ पर कितना बचा 10 बनने में, 1 बचा, तो 1 को 1 से जोड़ा, तो यहाँ पर अपन ने 2 लिखा। समझे, अच्छे से समझ गए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अपन को 8 गिनना, मतलब पॉइंट दे रखा है उसको, मतलब एक अधिक इसको दे रखा है, 7 और 1 8 हो गया। तो 9 में से 8 को घटाएंगे, यहाँ साधारण से घट जाएगा, 9 में से 8 को घटाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो अपना आंसर आ गया 128। अब इसी तरह इसको साधारण जोड़ में करके देख लेते हैं, मतलब साधारण जोड़ के सॉरी घटाव, अपन जो अपने नॉर्मल घटाव करते हैं उसको घटाव करके देखते हैं आंसर क्या आता है, आपको कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर 128 आंसर आया। तो अपन सरल घटाव में करके देखते हैं, क्या सरल घटाव तरीके से घटा के देखते हैं, तो यहाँ पर अपन का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 में से अपन को कितने घटाने हैं, 3 घटाने, तो घटाते 8 9 10 11, कितना बचा था, 8 बचा, 8 यहाँ लिख लिया। फिर यहाँ पर कितना बच गया था, 0 बच गया था, क्योंकि एक उधर दे दिया था, तो यहाँ पर कितना बचेगा, अब कितना बन गया, 10 बन गया, और यहाँ पर 8 बन गया। इधर से अपन ने एक हासिल उधार लिया था, यहाँ पर कितना बचा, 8 बचा, और यहाँ 10 बन गया, और 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर 8 में से 7 को घटाना है, 8 के अंदर से 7 को घटाना है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अपना आंसर सेम आ गया। इसी तरह से वैदिक गणित की घटाव अपन ने कर दी है और ये साधारण घटाव अपन ने कर दिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल को लाइक कर शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।